जिसके बारे में अक्सर लोग गलतियां करते हैं वो क्या है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने वो बात मैं बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों जिसके बारे में अक्सर लोग गलतियां करते हैं वो क्या है। इमाम से पहले खड़े हो जाना, इमाम के इंतजार करते हैं कि भाई जमात की इंतजार बैठकर करना मुस्ताहब है या खड़े होकर करना। इमाम मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ या इमाम मस्जिद में बैठे हुए हैं। अब ये बात नहीं है कि इमाम अपने मुसल्ला पर बैठा हुआ है, क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों से ये साबित नहीं होती है कि अल्लाह के रसूल अपने मुसल्ला पर बैठे हुए थे या दो मिनट पहले अपने मुसल्ला पर पहुंच गए थे, ऐसे कोई हदीस नहीं है। अल्लाह के रसूल या तो ये फरमाया हदीस में कि मैं जब तक मस्जिद में दाखिल ना हूँ और सफ़ों के लिए खड़े ना हों तो तुम लोग कोई भी मेरे इंतज़ार में नमाज के लिए खड़े नहीं होना, क्या करना, बैठे रहना है, ये मुस्ताहब है। अब मुस्ताहब मतलब ये सुन्नत गैर मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा है मेरे दोस्तों, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा इसको कहते हैं जो अगर आपने नहीं किया तो गुनहगार होंगे और अगर किए हैं तो आपको सवाब मिलेंगे, और सुन्नत गैर मुअक्कदा उसको कहते हैं अगर आपने किए हैं आपको सवाब मिलेंगे, नहीं किए हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा खतरनाक गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन इमाम की अदब, इमाम के अदब करना मेरे दोस्तों ये खिलाफ शरा कोई काम करना, खिलाफ औला कोई काम करना नमाज के अंदर वो बहुत बड़ी गलती है। ये खिलाफ शरा काम होना नहीं चाहिए और खिलाफ औला काम भी होना नहीं चाहिए। जिसकी नमाज के अंदर अदब मुस्तहब और सुन्नत की लिहाज नहीं होगी वो नमाज कल क़यामत में उसकी मुँह के ऊपर मार दिए जाएंगे, ये बात सुन लें। अब आइए मेरे दोस्तों, बाज़ लोग इमाम के इंतज़ार खड़े होकर करते हैं, बाज़ लोग और बैठ कर करते हैं। अब उलमा मुफस्सिरीन किराम फरमाती हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो तुम खड़े ना हो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो तुम खड़ी ना हो जब तक मुझे अपने तरफ आता हुआ ना देख लो, जब तक मुझे आता हुआ नमाज के लिए ना देख लो। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की फतवे के मुताबिक मेरे दोस्तों हजरत ने फरमाया कि इस हदीस में खड़े होने से ममानियत कराहियत तंजी है या मकरूह तंजी। मकरूह तंजी को अगर बार बार आप करोगे मकरूह तहरीमा में शामिल हो जाएगा। दायमी मकरूह तंजी अगर कर लिया आपने किसी भी काम को, मकरूह मकरूह तंजी मकरूह तंजी मकरूह तंजी बार बार आप किया है करते रहे तो वह मकरूह तहरीमा में शामिल हो जाते हैं। तो मकरूह तंजी को बार बार नहीं की जाती है तो आपने एक दिन गलती किया, जिसकी आदत है वो रोजाना खड़े होने का वो खड़े हो जाती हैं। आप नमाज से कोई बात तो एक मिनट पहले खड़े हो जाती हैं और कोई इमाम आए नहीं अभी तक, वक्त हो चुका है तो आपको खड़े होना या बैठ कर इंतजार करना है। उलमा मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि आप बैठ कर इंतजार करें।